ये देखो पलटू चाचा, आई बड़का भारी सृजन चोर है ना। अभी पांच साल ने क्या काम किया दिखाए। अरे बहुत काम किया, डबल इंजन के सरकार। हो गया। ये देखो सबके खाता में 15-15 लाख रुपया मिल गया। नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप बिहार का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज देख रहे हैं। धुआंधार चुनाव प्रचार का सिलसिला जारी है। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही के नेता पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं। अब तेजस्वी यादव की बांका से तस्वीरें देखिए। चुनाव प्रचार के लिए बांका पहुंचे थे एनडीए का लेखा जोखा, जो किताब तेजस्वी यादव ने रिलीज की है, जिसके सारे पन्ने खाली हैं, जिसे तेजस्वी यादव एनडीए का रिपोर्ट कार्ड कहते हैं, उसे भी जनता के बीच दिखलाया है। और बांका में अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते सिटिंग सांसद जो हैं जयप्रकाश नारायण यादव, वो मोदी महालहर में भी राजद के लिए इस सीट को बचाने में कामयाब हो गए थे। एक बार फिर से वो बांका के उम्मीदवार हैं, तो तेजस्वी यादव की जनसभा तो बनती है। यह जनसभा कटोरिया हाई स्कूल के मैदान में आयोजित की गई थी, जिसमें तेजस्वी यादव शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी को भारत जलाओ पार्टी करार देते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने 2015 में इसे बड़का झूठा पार्टी कहा था। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को भाजपा व आरएसएस के षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। साथ ही साथ चाचा नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए यह भी कह दिया कि पलटू कुमार का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब पलट जाए। मन से तेजस्वी संबोधन कर रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। ये देखो पलटू चाचा, आई बड़का भारी सृजन चोर है ना। अभी पांच साल ने क्या काम किया दिखाए। अरे बहुत काम किया, डबल इंजन के सरकार। हो गया। ये देखो सबके खाता में 15-15 लाख रुपया मिल गया। सृजन घोटाले का पाप ढुलवाना रहे, इसलिए ना भाजपा में गए। तेजस्वी तो बहाना था, भाजपा में जाना था। ये झूठों के हम लोगों पे केस मुकदमा कराए ताकि जनता में बोल सके, जनता में बोल सके कि ये भ्रष्टाचारी है, इसलिए हम महागठबंधन से भाग। आप बताइए बिहार पुलिस को अपराधियों के पीछे, बलात्कारियों के पीछे, मर्डरर के पीछे, किडनैपर के पीछे, डकैत के पीछे, रंगदार के पीछे लगाना चाहिए तो नीतीश चाचा लगा दीजिए, पकड़ के सारा पिया है कि नहीं, यही हो रहा है। अब आप बताइए बिहार में अपराध नहीं बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा ना, जब पुलिस अपना काम ही नहीं करेगी, दूसरा काम में लग जाएगी तो अपराध तो बढ़बे ना करेगा। तो एगो इंजन भाई, डबल इंजन के सरकार बा। कार छीनने का कोशिश करोगे तो कान खून करके सुन लीजिए, अंजाम बुरा होगा और ज्यादा। कहना तो बहुत कुछ चाहते थे लेकिन कहेंगे नहीं, क्योंकि नियम कायदा का उल्लंघन ना हो जाता है। हम सोचे कि जा रहे हैं पलामू चतरा चुनाव प्रचार में, तो रांची जाकर के पिताजी का हालचाल ले लेंगे कि सेहत में कोई सुधार है कि नहीं है, और आशीर्वाद ले लेंगे क्योंकि आड़ अपाड़ की लड़ाई है। लेकिन हमको वहां मिलने नहीं दिया गया, जो दंगा फसाद और भाई को भाई से लड़ा सके। ये लोग जानते थे अगर यहाँ कोई भाजपा वाला है कान खून करके सुन ले। अगर सोचता होगा कि लालू जी को जेल में बंद कर देंगे, वो अपने सपने में कामयाब हो जाएंगे, मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे, संविधान आरक्षण को खत्म कर देंगे, तो लालू जी का बेटा यहीं आओ, माँ का दूध पियो तो मैदान में। हल्का सा भी उस मोदी लहर ने भी, जो आप लोग उनके जुमलेबाजी को पहचान लिए थे कि मोदी जी खाली ठगने आए हैं, इस बार तो उनका दूध का दूध और पानी का पानी होना गया। जो वादा जितना था कोई पूरा तो हुआ नहीं,
तो इस बार तो पूरी तरीके से हमको विश्वास है कि आप लोग भारी से भारी मतों से जयप्रकाश जी को जिताने का काम। तो महागठबंधन को जिताने के लिए पूरे नेताओं ने, महागठबंधन के नेताओं ने ताकत झोंक रखी है, ज्वाइंट जनसभाओं का सिलसिला जारी है। तेजस्वी यादव भी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सुबह से शाम बिहार घूमते हैं, शाम को जब एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उनका लैंड होता है तो मीडिया से भी रूबरू होते हैं। बहरहाल आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, क्योंकि बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।